तो मैंने लंगड़ी औरतों को पैगाम भेजा निकाह का दूसरी शादी के लिए, लंगड़ी। उनके अब्बा ने डांट के भगाया है मुझे, लंगड़ी लड़की, ना कोई हुस्नो जमाल, अब तो नहीं पता ना किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो। लंगड़ी लड़की के लिए मैंने दूसरी शादी का पैगाम भेजा, जो बेसाखियों से चलती थी बेचारी। मैंने कहा दूसरी बेटो, ना ना ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो पागल हैं, आप ना करो, आप कमारे से कर दो। मैंने अल्लाह की कसम लकवा की मरीज खातून को पैगाम निकाह भेजा है दूसरी शादी के लिए, लकवा की मुंह नहीं हो जाता थोड़ा सा लकवा से, ऐसी लड़की को पैगाम निकाह भेजा था दूसरी शादी। मैं बिल्कुल यंग था, क्यों, मुझे पता था भाई दूसरी पे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐप बर्दाश्त कर लो, एक फलसफा नजरिया जिंदा हो जाएगा। मुझे कोई खास फायदा नहीं था, एक टेंशन ही लेके पालता। लेकिन मैं जब चार शादियों पे बयान करूंगा तो लोग कहेंगे ना आपने अमल किया, तो मैं ये मिसाल तो दे सकता हूं कि हां मैंने अमल किया। मैंने बहरी लड़कियों के लिए निकाह का पैगाम भेजा, बहरी, समझा, गूंगी बहरी। जिस शादी दफ्तर में पैगाम लेकर गया उस खातून ने मुझे इतना डांटा है, आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा देखे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, कोई बहरी लड़की, बहरी माजूर भी लड़कियां होती है ना आपके यहां, तो उनको कोई मिल नहीं रहा होता ढंग का आदमी, पहला वो मिलेगा उनको भी गूंगा बहरा ही, तो वो भी गूंगा बहरा, ये भी गूंगी बहरी, दोनों बैठ के पता नहीं ब्लूटूथ के जरिए लड़ रहे हैं वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो इतना बुरा समझा जाता है, हालांकि देखो कोई गूंगी बहरी होती तो कम से कम उसको हम घर दे रहे हैं, अलग ठिकाना दे रहे हैं। लेकिन शादी दफ्तर में खातून बैठी और डांट के भगाया उन्होंने मुझे, क्या आपको शर्म नहीं आती, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया आपका, ऐसे भगाया। मैंने कहा हमारा तो दिमाग खराब हो गया, हम तो करेगा आपको नहीं। लंगड़ी लड़कियां, गूंगी बहरी लड़कियां और लकवा की पेशेंट, बहुत उम्र में अपने से ज्यादा उम्र की औरतों को भी पैगाम भेजा। मैं यंग था और मैं 48 साल की खातून को, कंवारी थी लेकिन 48 साल की हो गई, रंग भी ब्लैक, उनको मैंने निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा नहीं, दूसरी बीवी मैं नहीं बन सकती। मैंने कहा बैठे रहो, इंजॉय, अब तक इंजॉय इन्ना लिल्ला हो चुका होगा मेरा ख्याल है, अब तक इंजॉय करो लाइफ भैया। वो ठीक है नहीं करें उनकी मर्जी है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, उनकी मर्जी है, उनको शौहर इकलौता चाहिए था। अब 48 साल में इकलौता जो मिलेगा, कम से कम 58 साल का होना चाहिए उसको ये भी कम से कम बता रहा हूं, वरना 68 से कम का नहीं मिलेगा।